नमस्ते, मैं अरुणा कछुआ जोधपुर से। दोस्तों, मैं आज आपको राजस्थान की प्रसिद्ध कैर सांगरी की सब्जी बताने जा रही हूँ, उसको कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, यह बहुत ही प्रसिद्ध सब्जी है। ये 5 स्टार होटलों में, देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, सबसे पहले हम कैर सांगरी, कैर सांगरी और कुमटी, ये तीनों को मिक्स करके धो के और 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, 5-6 घंटे बाद हमारी ये कैर सांगरी की सब्जी भीग के इस तरह से तैयार हो गई है। अब हम इनको सबसे पहले पानी में बॉईल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें हम पानी डालेंगे। अब इसमें थोड़ी हल्दी मिक्स करेंगे, ताकि इसमें जो इसका जो कलर है, थोड़ा सा काला काला है, वो येलो दिखने लग जाए। थोड़ी हल्दी मिक्स करेंगे, 1 चम्मच जितनी। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम 5-7 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी कैर सांगरी बॉईल होके तैयार हो चुकी है। अब हम इसका पानी निकाल के आगे की विधि, ये बॉईल हो चुकी है, इसका पानी निकाल के हम बाउल में खाली कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी कैर सांगरी बॉईल होके तैयार हो चुकी है। इसमें हमने जब हल्दी ऐड की थी, तो उसकी वजह से इसका कितना प्यारा कलर आया है, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब हम इसमें इसको बनाने के लिए इसमें मिर्ची, धनिया, नमक, हल्दी, हींग, अमचूर, काजू, किशमिश, ये इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले तेल लेंगे। सबसे पहले अभी गैस स्टार्ट कर देते हैं और इसमें 4 चम्मच बड़े तेल। दोस्तों, इसमें तेल ज्यादा लगता है, नहीं तो इस सब्जी स्वाद नहीं बनती है। ये देखिए दोस्तों, जब तक ये हमारा तेल गर्म होता है, तब तक हम इसमें, जब तक ये तेल गर्म होता है, तब तक हम मिर्ची, कैर सांगरी के अंदर ही मिर्ची 4 चम्मच, धनिया 5 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार, और खटाई के लिए 2 चम्मच अमचूर। दोस्तों, अगर आपको खटाई ज्यादा पसंद हो तो थोड़ी सी और अमचूर मिक्स कर सकते हैं, और कम पसंद हो तो नहीं डालें। ये देखिए दोस्तों, अब हम मसाले, सूखे मसाले को कैर सांगरी के अंदर मिक्स कर रहे हैं, ताकि ये एक सार हो जाए।
नहीं तो कहीं मसाला कम कहीं ज़्यादा। दोस्तों ये सब्जी 5-6 दिनों के लिए आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। ये देखिए दोस्तों, अब हमने गैस आंगली के अंदर मसाला मिक्स कर दिया है, जो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस गरम किए हुए तेल में 1 चम्मच जो हींग ली थी वो स्वाद के लिए डालेंगे। ये देखिए, और अब जो मिक्स की हुई गैस आंगली है वो अब इसमें तड़का लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसमें जो काजू किशमिश भिगोए थे वो मिक्स करेंगे। इसमें जो बाउल के अंदर जो मसाला बच गया था उसको पानी मिक्स करके इस सब्जी में थोड़ा ऐड कर सकते हैं आप, ताकि ये कच्ची नहीं रहे। और अब हम इसमें काजू किशमिश मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी इसको हल्के हाथ से मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी बनके लगभग तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आई, आप भी खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए। और ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।